विश्वमोनी को लेकर आ रहे थे प्रभु। और अकेले विश्वमोनी को ही नहीं, एक और रमा और एक और सोई राजकुमारी, दोनों को साथ लेकर आ रहे थे। बीच में ठाकुर जी और गरुड़ जी के पीठ पर, बीच में भगवान और एक तरफ में, जैसे लोग स्कूटर पर कहते हैं कि हम थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाते हैं, तुम पीछे पीछे बैठ जाओ, ऐसे ही अगल बगल में विश्वमोहनी और रमा, रमा माने लक्ष्मी जी, दोनों को लेकर के प्रभु लौट रहे हैं। इधर नारद जी की सुंदरता की पोल खोल दी रुद्र गणों ने, बाबा बड़ा गुमान है तुम्हें, मैं बहुत सुंदर हूं, कितने सुंदर हो, दर्पण में देखो, दर्पण नहीं मिले तो कम से कम कहीं पानी पड़ा हो, एक चुल्लू पानी में अपना मुंह देखो, बदन दीख मुनिबार निहारी, और वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनय श्राप दीने तिगाढ़ा, तुमने हमारी हंसी उड़ाई थी, जाय निसाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सोले उफल बहुरी हंसे हूँ मुनि को, मेरी हंसी करी उसका अभी फल लो, और इसके बाद फिर हिम्मत हो तो फिर किसी महात्मा की हंसी करना, अब क्या हिम्मत होगी बेचारों को, कलेजा कांप उठा, बता दिए बाबा हम लोग विप्र नहीं है, विप्र वेश में आए जरूर थे, तो कौन हो, बोले हर गण, हम रुद्र गण है, बोले यहां कैसे आए, बोले भगवान भोलेनाथ ने भेजा था कि जाकर गतिविधि देखो, चलो इसी बहाने हम लोग भी प्रभु के लीला पात्रों में सम्मिलित हो गए, चलो विपक्ष का ही सही पाठ मिला, उद्धार कैसे होगा, बोले कि भुज बल भीष्म जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तन तहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, फिर होई हो मुकुत न पुनि संसारा। जब तुम राक्षस बन करके अपने भुजबल से विश्व को वश में कर लोगे, तुम्हारे अत्याचार से उत्पीड़ित जन समुदाय जब त्राय त्राय करके प्रभु को पुकारेगा, तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं प्रभु अवतार लेंगे, उनके हाथों से मर करके तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद अभी नारद जी का कोप शांत नहीं हुआ है, असली कोप भाजन तो इनके नारायण है, जिन्होंने सुंदर बनाने का आश्वासन देकर के बंदर बनाया है, अब चलकर उनकी खबर लूंगा। तब नारद गवने सी प्रभु पाई, नारायण के पास जा रहे हैं, मुद्रा क्या है, हरकत आधार कोप मन माई, होठ फड़क रहे हैं, मन ही मन कुछ योजना बन रही है, और उसका होठों पे रिहर्सल करते जा रहे हैं, वहां जाकर क्या क्या कहूंगा, कैसे कैसे उनकी खबर लूंगा। हरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई, कमलापति के पास जाऊंगा, उनकी खबर लूंगा, उनकी वो दुर्दशा करूंगा, उनसे वो बदला लूंगा कि उनको जीवन भर याद रहेगा। वैसे जो रास्ता पकड़ लिया है नारद जी ने, यह रास्ता इन्हें नारायण तक पहुंचाने वाला नहीं था, नारायण तक पहुंचाने वाला रास्ता तो है श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक, लेकिन इन्होंने इस समय रास्ता क्या पकड़ा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
ब्याह करने की इच्छा काम, ब्याह नहीं होने पाया तो साप देने के लिए जा रहे हैं क्रोध, मोह अपने परम हितैषी को ये अपना शत्रु मान बैठे हैं, ये मोह है। इस तरह से काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। चाहते थे कमलापति के पास जाना, लेकिन कमलापति वाला मार्ग नहीं पकड़ा करके रास्ता दूसरा पकड़ में आ गया, नरक वाला रास्ता पकड़ में आ गया। तो ऐसे समय के लिए ठाकुर जी हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले, जैसे कोई जहाज भटक न जाए, जो उतरना चाहता हो एरोड्रोम पर उसके लिए वहां से एक स्पेशल रोशनी का प्रबंध रहता है, इससे उनको समझ में आ जाए कि ये हमारा उतरने वाला स्थान है। मार्गदर्शक दर्शन करता रहता है वहां का फोकस सर्च लाइट। इसी तरह से भगवान की कृपा दृष्टि भी अपने नारद जैसे समर्पित भक्तों के ऊपर पड़ती रहती है। नारद चला है मेरे यहाँ आने के लिए, लेकिन वो रास्ता उसको गलत पकड़ा गया है, इसलिए नारद मेरे यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो मैं ही नारद के यहाँ चलूं। इसलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा अरसोई राज कुमारी, धनुजारी धनुजों के शत्रु असुरों के विनाशक प्रभु बीच ही पंथ मिल गए, बीच मार्ग में मिल गए। नारद जी उन्हें नहीं देख पाए। जब प्राणी क्रोधांध हो जाता है ना, तो वो अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। क्रोध ऐसा दुर्गुण है, अंधी करोति भुवनम बधिरी करोति, इसे न कुछ दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। नारद जी ने प्रभु को नहीं देखा, प्रभु ने नारद जी को देखा और टोक बैठे। मधुर वचन बोले सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। प्रभु ने टोका, मुनिनाथ इतने व्याकुल की तरह किधर जा रहे हैं? देखा, यही तो है जिनने मुझे सुंदर के बदले में बंदर बनाया, मेरा इतना बड़ा भारी उपहास कराया और उल्टे जले पर नमक छिड़कने के लिए और पूछ रहे हैं कि मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। चौधरी जी तुम्हारे पास जा रहा था, तुम्हारी खबर लेने के लिए जा रहा था, जले पर नमक छिड़क रहे हो, पूछ रहे हो मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, नमक नहीं नमक पर मिर्च और बुरक रहे हो, हैं हमारा एक ब्याह नहीं होने दिया और अपने दो दो लेकर के जा रहे हो, और दो दो में कोई ये दूसरी होती ये तीसरी होती तो एक बात भी थी, जो मेरी मन पसंद दुल्हन थी उसको तुम लिए जा रहे हो। पाव हो गए फल आपन की नहीं, कर्म भूमि है तुम्हारी बनाई मर्यादा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मानता हूं कि वेदों ने संतों ने तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म के बंधन से परे माना है, तुम दुनिया को बांधते रहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें कर्म बंधन में घसीट कर ला रहा हूं। भले भवन तुम बायन दीना, पाओगे फले आपन की ना, अपने किए का फल पाओगे। किस रूप में पूछते हो कहां जा रहे हो? अरे तोहार करनी हो तोहार करनी, हमरा जियरा में साले ला, तोहार करनी हो तोहार करनी, हमरा जियरा तोहार करनी, हमरा जियरा में साले ला, जैसी तुमने मेरे प्रति करनी की है आज
वो मेरे हृदय में साल की तरह, बरछी की तरह, भाले की तरह चुभ रही है। और ऊपर से पूछ रहे हो कि मुनि कहां चले, बिकल की नहीं। ये कर्म भूमि है, नारी विरह में बिकल तू होई बा, नारी विरह में बिकल तू होई बा, नारी विरह में बिकल तू होई बा, नारी विरह में बिकल तू होई बा। कब? अरे जब चोरी जई है तोहार घर नी हमरा जीरा, जब चोरी जई है तोहारे घर नी हमरा जीरा, ओ जब चोरी जई है, जब चोरी जई है तोहार घर नी हमरा जीरा मिसाले ना। तोहार घर नी हमरा जीरा मिसाले ना, जैसे आज मेरी मनपसंद दुल्हन को तुम लिए जा रहे हो और मैं रो रहा हूं। भले मेरी आंखों में आंसू की बूंद नहीं दिख रही हो, लेकिन मेरा हृदय रो रहा है। जैसे आज मैं रो रहा हूं, ऐसे तुम भी रोओगे किसी दिन, जब तुम्हारी घरवाली को भी कोई चुरा करके ले जाएगा, तुम मुंह ताकते रह जाओगे। और जैसे तू आज हमरा के रोवा वाला, जैसे तू आज, जैसे तू आज हमरा के रोवा वाला, जैसे तू आज, जैसे तुमने आज मुझको रुलाया है, ठीक इसी तरह से तू रोइबा राम, अरे रोइबा राम गिरी गिरी धरनी हमरा जी राम, ऐसे रोइबा राम गिर गिर धरनी हमरा जीरा, रोइबा ऐसे ही रोइबा राम गिर गिर धरनी हमरा जीरा मिसाले ला। अरे तोहार करनी हमरा जीरा मिसाले ला, बानर का रूप दे करके मेरी हंसी उड़वाई है तुमने, याद रखना ये बानरे के रूप ओ दिन काम तोहरा आई है, बानरे के रूप, बानरे के रूप ओ दिन काम तोहरा आई है, बानरे के रूप राम जी कपिन के सरनी हमरा जीरा मिसाले ला, राम जी कपिन के सरनी हमरा जीरा, एक दिन आइबा राम, एक दिन आइबा राम जी कपिन के सरनी हमरा जीरा मिसाले ला, आइबा राम जी कपिन के सरनी हमरा हो तोहार करनी हमरा जीरा मिसाले ला। तीन चार तरह का साप दिया प्रभु नारद जी ने प्रभु जी को, बंच बंचे हु मोहि जवन धरी दे आ, बंचे हु मोहि जवन सोई तनु धर हूँ श्राप मम ए हा, सोई तनु धर श्राप। पहला साप तो ये कि तुमने धर नृप तनु तह गए हो कृपाला, राजकुमार का रूप धर करके तुम उस विश्वमोनि को उसकी जयमाला को पाने के लिए गए थे, मेरे प्रतिद्वंदी होकर के तुम गए। तुम्हारी ऐसी नियत थी, हमसे वही कह दिए होते कि वो मेरी दुल्हन है, मैंने उसको पसंद किया है, हमारी हंसी क्यों उड़वाई। इसलिए जो शरीर धारण करके तुम गए थे इसी रूप में, इसी तरह से राजकुमार बन करके तुमको धरती पर जाना पड़ेगा। और दूसरा साप, मम अपकार कीन तुम भारी
इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। और तीसरा, कभी आकृति तुम कीन हमारी, इसलिए करी है कीश सहा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तुम्हारी बस वहां तो योग माया को भेज करके जय और विजय को फंसाया था ना, यहाँ प्रभु ने पुनः योग माया को भेज करके बेचारे नारद को फंसाया। और किसको फंसाया? रुद्रगणों को फंसाया। जब मंच तैयार करा लिया उसके बाद तब हरि माया दूरी निवारी। अपनी माया से कहा कि तुम जाओ यहां से निकलो, बहुत तुमने बेचारे नारद को भटकाया, अब हटो यहां से। माया जब दूर चली गई उसके बाद नारद जी ने देखा पर्दा बदल गया, नहीं तो रमा न राज कुमारी। अब देखा कि न बगल में रमा है न राजकुमारी है, अकेले हमारे प्रभु हैं और मैं हूं। माया के निबटते ही नारद जी की बुद्धि ठिकाने आई और कहने लगे, हाय नाथ आज मैं ये क्या बोल गया, मैंने अपने प्रभु को इतने इतने कटु शब्द कहे, और हे प्रभु फिर भी आप मुस्कुराते रहे। साप शीश धरि हरसि प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया की प्रबलता कर कृपा निधि लीन। मैं गाली देता रहा, डांक डांक पर थे सब का हुआ, ते संग मन सदा उछाऊ, असुर सुरा बिशंकर ही आप रमामण चार, स्वार्थ साधक कपट कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, इत्यादि इत्यादि में अनाप शनाप बोलता रहा। प्रभु आप मुस्कुराते रहे, आपने दुख क्यों नहीं माना? कहा कि नारद जी दुल्हीन मिल गई थी, लेकिन ससुराल से मिलने वाली जो गाली हुआ करती है वो गाली नहीं मिली थी, मैंने सोचा कि कैसी ससुराल मिली कि केवल दुल्हीन मिली, गाली वाली तो कुछ मिली नहीं ससुराल वाली, तो उस अभाव की पूर्ति आपने मार्ग में कर दी, मुझे बड़ा सुख मिल रहा था। नारद बाबा ने कहा कि प्रभु आज मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई, मैंने क्यों आपको राजकुमार बनने का शाप दिया, मैंने क्यों आपकी पत्नी के अपहरण का शाप दिया, मैंने क्यों आपको धरती पर पछाड़ खा खा कर गिरने और रोने का शाप दिया, आप कैसे इसको सह सकोगे, और आपको इस तरह से तड़पते देखकर मैं कैसे सह सकूंगा नाथ। इसलिए भले नारद कहलाता हूं, नारद शब्द का अर्थ कई कई तरह से किया जाता है, संस्कृत वांग्मय के अनुसार नारम ज्ञानम द ददाति इति नारद, नार ज्ञान को कहते हैं, ऐसा ज्ञान देने वाला उसको नारद, पुनः नारम अज्ञानम च, नार का अर्थ अज्ञान भी होता है, तो तम नारम अज्ञानम, पहला अर्थ तो नारम ज्ञानम द ददाति इति नारद, दूसरा नारम अज्ञानम च तम नारम अज्ञानम द द्यति खंडयति इति नारदः, ज्ञान दानेन अज्ञानम खंडयति इति नारदः, जो ज्ञान दान दे करके अज्ञान का खंडन करे उनका नाम नारद। ये तो संस्कृत वाङ्मय के अनुसार अर्थ हुआ। लोक भाषा कहलाने वाली आज की हिंदी के अनुसार हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी अर्थ किया करते थे नारद, जिनकी वाणी को भगवान भी रद्द नहीं कर सके, इसलिए इनका नाम है नारद। और ब्रज भाषा के अनुसार एक तीसरा अर्थ करते थे श्री वृंदावन वाले पूज्य चरण श्री वैष्णोदास जी, ब्रज भाषा में नार कहते हैं गर्दन को, नार माने कंठ गर्दन, और नार कहते हैं बांस की उस नली को जिसमें बीमार जानवरों को दवा भर करके जबरदस्ती उनके गर्दन में दी जाती है,
तो नार माने गर्दन और नार माने बांस की वो नली जिसमें दवा भर करके बीमार जानवरों को जबरदस्ती दी जाती है। तो बोले नारे कंठे नारम ददाती इति नारदा, जो जीव मनुष्य शरीर पाकर के भी पशु स्वभाव पर उतर आए हैं, भवरोग से ग्रसित होने पर भी राम रसायन जैसी हितकारिणी औषधि पीना पसंद नहीं करते, उनको अपने वीणा रूपी नार मने नली में राम रसायन भर करके उनके कानों के माध्यम से उनके नार मने कंठ में जबरदस्ती राम रसायन पिलाने वाले नारद। और आज नारद जी मना रहे हैं, जैसे आगे दशरथ जी मनाते हैं कि सवेरा ना हो, राम मेरी आज्ञा का सदा पालन करते आए हैं, आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दें वन में न जाएं। इसी तरह से आज नारद जी प्रभु को शाप देने के बाद जब माया निवृत्त हुई तो अफसोस कर रहे हैं, हाय मैंने क्यों अपने प्रभु को ऐसे घोर घोर कठोर कठोर शाप दिए। इसलिए नारद ने कहा कि मृषा ओ मम साप कृपा ला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, हे नाथ मेरा साप मिथ्या हो जाए। नारद का वचन कभी रद्द होने वाला तो नहीं है, लेकिन आज नारद का वचन रद्द हो जाए। नारद जी स्वयं कह रहे हैं मृषा हो झूठ हो जाए मेरा वचन, आपको कष्ट उठाना न पड़े, आपको राजकुमार के रूप में धरती पर आना न पड़े, आपकी पत्नी का अपहरण कोई न करे और आपको पछाड़ खा खा कर धरती पर गिरना न पड़े, नाथ आपको बानर भालुओं के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। ये ध्वनि है इस मृषा हो मम साप कृपाला में, मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। अब तक के अपने सारे इस पारित आदेश को स्वयं रद्द कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं नारद, ये ऐसा वचन नहीं है जिसे तुम जब चाहो तब पारित कर दो और जब चाहो तब रद्द कर दो। ब्रह्मा जी के लेख तक को मिटा सकते हो, ब्रह्मा जी का लेख मिट सकता है, प्रभु के नाम के भरोसे मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के, जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, मिटा सकते हैं। सोई गुसाई जे विधि गति छेकी, ब्रह्मा की गति को ही अवरुद्ध कर दे वशिष्ठ जैसे संत, सब रद्द हो सकता है। लेकिन जिस भाभी के ऊपर हरि इच्छा की मुहर लग चुकी है उस भाभी को कोई नहीं मिटा सकता। हृदय विचारत सुजाना, इच्छा भाभी बलवाना, देखिए ये दो परस्पर विरोधाभासी वाक्य मिल रहे हैं एक जगह, जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में सामर्थ्य है कि भाभी को भी मिटा सकते हैं, लेकिन वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, तो केवल भावी हो ब्रह्मा के हाथ की लिखी तब तो उसे मैं लिपापोती कर सकता हूं। जिनके हाथ लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, और तिन रंकन को नाक समारत हो आयो नखवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। तो केवल ब्रह्मा की लिखी भावी हो तो उसको शंकर भगवान कहते हैं कि मैं लिप पोत के बराबर कर सकता हूं।
नहीं घटने दूंगा। लेकिन यहां तो केवल भावी नहीं है, बोले हरि इच्छा भावी बलवान। जिस भावी पर हरि इच्छा की मुहर लग चुकी है उसे मैं कैसे मिटा दूं, मैं अपने प्रभु की रुचि का विरोध कैसे कर दूं। इसलिए आज जो नारद जी के मुख से निकला है वो केवल नारद जी का ही उसमें हाथ है, नहीं कहा कि मृषा हो मम साप कृपाला, तो मम इच्छा कह दीन दयाला। दीन दयाल ने कहा कि नारद ये घटना केवल तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे वचन तक ये अगर सीमित होती तो हो सकता था मैं उसे रद्द करा देता, लेकिन इस पर मेरी इच्छा की मुहर लग चुकी है। मैं सत्य संकल्प हूँ, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अथवा सत्यम परम धीमहि, परम सत्य परमात्मा का संकल्प, सत्य संकल्प का संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। जन्माद्यस्य हेतोन्वयादि तर्तश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम्। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य परमात्मा का संकल्प, चूंकि वह सत्य संकल्प है इसलिए सत्य संकल्प का संकल्प असत्य नहीं हो सकता है। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है। नारद से काम बिजी कर बस ब्याह के मिस, नारद से काम हर गण को और हरि को, ओ हर गण को और हरि को, शापित कभी कराना हर गण को और हरि को, शापित कभी कराना जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, इस जगत हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन बहाना। ये बात कल निवेदन की गई थी, कभी सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, और कभी नारद से काम विजयी कर विवश व्याह के हित हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। अब आप बताइए तो रावण कुंभकर्ण कौन बने, क्या उत्तर दीजिएगा? जय और विजय। हम कहते हैं कि तहां रहे दुए रुद्र गण ते जाने सबे विप्रवेश देखत फिर ही परम को तुकी देव। शंकर जी के दोनों गण जिनने नारद जी के बानर वाले मुख की हंसी उड़ाई थी उनको रावण और कुंभकर्ण बनने का मौका मिला नारद जी के शाप से। कौन सही है जी, जय और विजय का रावण कुंभकर्ण बनना सही है या रुद्रगणों का रावण कुंभकर्ण बनना सत्य है? दोनों सत्य है, इसलिए कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि शन गाए, भांति कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन
कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, चारु चरित नाना विधि करे, चारु चरित किसी कल्प में वो घटना घटी होगी, किसी कल्प में ये घटना घटी होगी। अब तीसरे कल्प की ओर लीजिए। विश्व विदित एक कह कह देशु, सत्य के तुझ बसई नरेशु। कह कह देश जिसको आजकल कश्मीर कहते हैं, वहां के राजा थे सत्य केतु। उस सत्य केतु के दो बेटे थे, बड़े का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अरिमर्दन। वो बेचारे कपटी मुनि के चक्कर में। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और आसुरी पने पर ला करके उतार दिया। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयस्ते समेत परिवार, जाय निसाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। तो प्रताप भानु राजा और उनके छोटे भाई अरिमर्दन, इन्हीं दोनों को रावण और कुंभकर्ण बनने का मौका मिला। ये तीसरे कल्प की कथा है, इसको भी असत्य नहीं मानना। चौथे कल्प में तहा जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद गयो, जलंधर को, सती वृंदा के पति जलंधर को रावण बनने का अवसर मिला। ये चौथे कल्प की कथा है। चार पांच छह सात बीस की कौन कहे, सत्ताईस कल्प में सत्ताईस बार अवतार हमारे नीलगिरी का, हमारा आचार्य जो काग रूप में रहते वो देख चुके हैं। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईशा, बीते कल्प सात अरुदीशा। हे खगीश, हे पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी, इस नीलगिरी पर्वत पर रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत चुके। सत्ताईस बार नैमित्तिक प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी के सोने के समय जो हुआ करता है। सत्ताईस बार भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक डूब चुके और सताईस बार ब्रह्मा जी सो चुके मेरे सामने और सताईस बार जग चुके। जब सोते हैं तो प्रलय और जब जगते हैं तो नई सृष्टि यथा पूर्व मकल्पयत। और जब जब कल्प बदलते हैं तो प्रत्येक कल्प में कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही अवतार भी होते हैं। और जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हेतु लीला बहु करही, तब तब अवधपुरी में जाऊं और बाल चरित विलोक हर्षों। मतलब कि सत्ताईस बार कल्प बदल चुके और सत्ताईस बार नई सृष्टि मेरे सामने हो चुकी और सत्ताईस बेर अयोध्या में श्री राम अवतार हो चुका और सत्ताईस बार राम जी की लीला का संवरण हो चुका और सत्ताईस बार मैंने उनकी बाल लीला देखी अपनी आंखों के सामने। अगर एक ही काग भुसुंडी जी सत्ताईस तरह से रामचरित्र गावे तो ये मत कहना कि अरे पिछले साल तो वैसा गाए थे, इस साल ऐसा गा रहे हैं। भाई पिछले साल प्रथम कल्प की लीला गाथा थी, इस वर्ष द्वितीय कल्प की लीला गाथा है, तीसरे साल गाएंगे तो तृतीय वर्ष की लीला गाथा, तृतीय कल्प की लीला गाथा है। सत्ताईस कल्प से आंखों देखी हुई रामलीला का वर्णन श्री काग भुसुंडी जी कर सकते हैं, उनकी आंखों देखी बात है। तो सत्ताईस तरह से अगर सुनने को मिले तो ये मत सोचना कि वो सही था कि ये सही है, सब सही है। किसी कल्प में वैसा, किसी कल्प में ऐसा, किसी कल्प में वैसा। अब आइए, भूमिका बन गई, पूरी भूमिका बन गई। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनेंगे।
शंकर जी हनुमान बनेंगे और राम जी राजकुमार बनेंगे। राजकुमार बनेंगे तो इनको माता पिता भी तो चाहिए। राजकुमार जब बनेंगे इनको माता पिता भी तो चाहिए, तो माता पिता के रूप में कौन चुने जाएंगे? स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, आदि सृष्टि के आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा, जो ब्रह्मा जी के वाम और दक्षिण भाग से प्रकट हुए हैं, दाम्पत्य जीवन के द्वारा जिन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से 5 संतानें उत्पन्न की हैं, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 3 कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र है। नृप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। और मनु जी के छोटे पुत्र बोले कि लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसई जाई। वे ही मनु और शत्रुपा 3 पंत तक तो घर में रह करके और राज्य संभाले। सोई मनु राज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। जब 3 पन बीत चुके, जब सफेदी आने लग गई, तब अफसोस हुआ, रे ये क्या हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। केवल शासन करने में, प्रजा पालन करने में ही उलझे रह गए, केवल संसारी राजसी भोगों को भोगने में ही उलझे रह गए, भगवान की भक्ति तो की नहीं, सारा जीवन ऐसे ही चला गया। एक मुसलमान भक्त हुए हैं मियां नजीर अकबर आबादी, अद्भुत अद्भुत उनकी रचनाएं हैं। क्या क्या कहूँ मैं, कृष्ण कन्हैया का बालपन ऐसा था, बांसुरी के बजैया का बालपन, बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है, जो है राग उन्हीं के रंग भरे, है राग उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के सांचे हैं, जो बेगत बेसुरताल हुए बिन ताल पखावज नाचे हैं, सुतीक्ष्ण जी की तरह जीवन उनका धन्य है। उन्हीं मियां नजीर अकबर आबादी ने भी एक बात अफसोस करते करते कही है, अरे नजीर तू दुनिया में किस लिए आया था, उस पर कुछ ख्याल है? जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। उस प्रभु को रिझाने के लिए ये मानव शरीर मिला था, रिझा सका नहीं तो तुम्हारा जीवन निरर्थक गया। अब भी जो जीवन के शेष दिन है इसमें प्रयत्न कर ले बलिहारी। एक पंजाब के संत हुए हैं संत श्री बुल्ले शाह, सदगृहस्थ संत थे। एक बार 2:30 बजे रात को उनकी नींद खुली, श्री बुल्ले शाह की 2:30 बजे रात को कानों में आवाज पड़ी, गली में कुत्ते दौड़ रहे हैं और भूख रहे हैं, लगता है कोई नाजायज आदमी आ गया है। तो कुत्ते सेवा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और मैं मानव होकर के और सो रहा हूँ, सोकर बेखबर अपना मानव जीवन खो रहा हूँ। अपने ऊपर तो गलानी हुई और कुत्तों के ऊपर इतने खुश हुए श्री बुल्ले शाह, अपनी पंजाबी भाषा में एक पद में कहा, कुत्ते मैथी उत्ते, कुत्ते मुझसे बहुत ऊपर, मुझसे बहुत उच्च स्तर पर है। कैसे? बोले मालिक की सेवा कर रहे हैं, सारी रात भौंकते मूल थकण ना,
और दीने जा रूढ़ी ते सुत्ते, इसलिए कुत्ते में थी उत्ते। सारी रात मालिक का पहरा देते हैं, मालिक सो रहा है, इस समय घर में कोई हस्तक्षेप न कर सके। और थकते नहीं है रात भर पहरा देने में और जगने में। अद्भुत उनकी स्वामी के प्रति कर्तव्य परायणता है। और जब देखते हैं कि अब मालिक जग गए तो दिने जा रूढ़ी ते सुते, अब मालिक जग गए, कोई खतरा नहीं, चलो थोड़ा सो लो, रात भर जगे हैं, नाइट ड्यूटी की है तो थोड़ा सोना भी जरूरी है, तो कहाँ सोएंगे। मालिक से ये भी दावा नहीं किया कि मालिक मैंने रात भर जग कर तेरा पहरा दिया है, एक अपने फटे हुए टाट का टुकड़ा तो दे दे जो बिछा लूं, जिसे ओढ़ते पहरते जिसकी धज्जी धज्जी उड़ गई हो, ऐसी एक चिथड़ी गुदड़ी एक चादर का टुकड़ा ही मेरे ऊपर डाल दे। लेकिन ना, सारी रात भोंकण ते मूल थकण ना, दिने जा रूढ़ी ते सुते, कूड़े कचड़े पर घूरे पर जाकर सो लेते हैं। मालिक दे ओ दर ना छड़ दे, मालिक का दरवाजा छोड़ते नहीं है। मालिक दे ओ दर ना छड़ दे, भावे लख कोई कुट्टे, लाख उसकी कुटाई पिटाई कोई करे, झिड़का झम्बा देवे, लेकिन मालिक दे ओ दर ना छड़ दे, भावे लख कोई कुट्टे, उठ बुल्लिया रुठिया यार मना ले, नहीं तब बाजी ले गए कुत्ते। अपने को कह रहे हैं, अरे बुल्ले सा उठ जग जा, श्रुति भगवती यही तो कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जानकी की कृपा जगावती सुजान जीव, जाग त्याग मूढ़ता अनुराग श्री हरे। मूढ़ता त्याग, जाग और अनुराग प्रभु के चरणों में। श्री बुल्ले शाह जी कहते हैं, उठ बुल्लिया रूठिया यार मना ले, रे बुल्ले शाह उठ रूठे यार को मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते ताबेदारी के द्वारा, वफादारी के द्वारा, सेवा परायणता के द्वारा, राम ही सेवक परम प्यारा, अपनी वफादारी के द्वारा, अपनी सेवा भावना के द्वारा, अपनी सेवा वृत्ति के द्वारा, ये कुत्ते मालिक को रिझा लेंगे और तू सोया और खोता रह जाएगा। उठ बुल्लिया रूठिया यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। आज मनु जी इन्हीं सब विचारों में आकर के, हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। अब तो भक्ति कर ले, बीती है सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं, बीती है सो बीती उम्र संभालू। चरणों में प्रभु बैठ आपके, गीत भक्ति के गालू में, जीवन अपने आप का सफल बनाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर। बच्चों से कहा कि भैया अब तुम घर संभालो, मैं बहुत दिन संभाल लिया, अब तुम घर संभालो। बोले आप, अब मैं भजन करने जाऊंगा। कहाँ पिताजी? यही भजन करिए, हम नहीं छेड़ेंगे। कहा कि नहीं, जाइए न ताजा संगति कुसंगति, कायर के संग सूर भागिए पे भागिए, घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी। कैसे? बोले फूलन के पास बस फूलन की,
बास होती ऐसे कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जई है, काजर की एक दाग लागी है पे लागी है। ये गृहस्थी काजल की कोठरी है, यद्यपि प्रभु ने बहुत संभाला है बहुत बचाया है, मेरे ऊपर दाग नहीं लगने दिया, लेकिन कहीं आगे कोई दाग न लग जाए इसलिए अब मैं भजन करने जाऊंगा। कहाँ पिताजी? बोले तीरथ भर नैमिष भी ख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, नैमिषारण्य में जाऊंगा वहीं भजन करूंगा। नैमिषारण्य की ओर जब चलने को तैयार हुए, उनकी पत्नी शत्रुपा ने कहा, नाथ मेरे लिए आप क्या निर्णय ले रहे हैं? कहा कि देवी तुम्हें ठुकराने की नियत नहीं है, लेकिन तुम्हारे संबंध में निर्णय मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे संबंध में तुमको निर्णय लेना होगा। अगर घर का सुख तुमको अच्छा लगता हो तो तुम्हारे दो दो बेटे हैं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। उत्तानपाद है, प्रियव्रत है, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है, प्रियव्रत के बेटे अग्निदृत्यादि है, घर भरा पूरा है, किसी बात की कमी नहीं है। अगर तुमको यहां रहना पसंद हो तो बेटों के साथ रह लो, और मैं तो अब बलकल धारण करूंगा, केले की छाल मृगचर्म इत्यादि धारण करके और भजन में तपो में जीवन बिताऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, फलाहार लूंगा, फलाहार भी कुछ ही दिनों तक, उसके बाद शाकाहार, उसके बाद सूखी पत्ती, उसके बाद केवल जल, उसके बाद केवल वायु भक्षण पर रहूंगा। अगर तुमसे ऐसा जीवन सध जाए तो मेरे साथ भी चल सकती हो। कहा कि नाथ मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, मेरा जीवन बच्चों के लिए नहीं है, मेरा जीवन आपके कर कमलों में समर्पित है, मैं आपका साथ दूंगी। कहा कि तपो में जीवन बिताना होगा, वहां चल करके मैं और तुम पति पत्नी की हैसियत से नहीं रहेंगे, एक तपस्वी और तपस्विनी की हैसियत से। बोले कि ऐसा ही करूंगी, ठीक फिर चल सकती हो। पंथ जात सो हिम्मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। यह है हमारा भारतीय जीवन, जब तक राजा के रूप में रहे, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला, प्रभु के अनुशासन का ध्यान रखते हुए स्रोत स्मार्त कर्मों को विधिवत निभाया, कभी संध्या वंदन का लोप होने नहीं दिया, कभी प्रजा के माथे में दर्द हुआ तो अनुभव किया कि प्रजा के माथे का दर्द नहीं है, मेरे माथे का दर्द है, कभी किसी प्रजा की बेटी का ब्याह होने जा रहा है तो मनु ने महसूस किया कि उसकी बेटी नहीं मेरी बेटी का ब्याह होने जा रहा है, स्वयं उसके घर पर जाकर पूछते, भैया सुना है तुम्हारी कन्या का विवाह है? हाँ राजा धीराज। आगे मुझे तुमने न्योता क्यों नहीं दिया? कहा कि मेरी हिम्मत क्या जो आपको आमंत्रित कर सकूं, कहाँ बिठाता? अरे नहीं भैया, जैसे तेरा घर ऐसे मेरा घर, जैसे तेरी बेटी ऐसे मेरी बेटी, कहो क्या क्या प्रबंध हुआ है, क्या क्या कसर है, राजकीय कोष से आएगा। सोई मनु राज की न बहु का
और प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। प्रभु की समस्त आज्ञाओं का विधिवत पालन किया जब तक गृहस्थाश्रम में रहे। गृहस्थाश्रम में बुरा नहीं है, यदि गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन हो तो माता पिता की सेवा हो, अतिथि अभ्यागत की सेवा हो, ठाकुर सेवा हो और कुछ कथा पुराण की सेवा हो, अपने अपने कर्मों में अच्छी तरह से लगे रह करके स्वे स्वे कर्म नविरता संसिद्धिम लभते नर, लेकिन बराबर उसी में नहीं पड़े रहे। हाँ, पूज्य चरण डॉक्टर श्री श्रीनाथ मिश्र जी कल जो उद्घाटन कर गए, वो कहा करते हैं, मेरे गुरु जी कहा करते थे, स्वामी श्री विवेकानंद जी के किसी कथा भाग का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अंकों में 48 तक तो आप खूब बेधड़क घर में रहो कोई बात नहीं, और 49 आ गया तो, 50 आ गया तो बोले कि सावधान हो जाओ। इन दो अंकों में आस लगा हुआ है, 49 50, इन दोनों के अंत में आस शब्द ध्वनित हो रहा है, तब तक घर की आशा करो। उसके बाद 50 के बाद कौन अंक आता है जी? 51 52 54 57 58। ये 51 52 54 57 58 आपको बार बार वन की ओर इंगित कर रहे हैं, अब घर की और नहीं, अब वन की ओर, वन की ओर चलने की सोचो। कौन वन? बोले तीरथ वर नैमिष विख्याता। नैमिष वन, आनंद कानन काशी की ओर, और वृंदावन, अब हम वृंदावन वास करेंगे। और ये क्रम, ये अंक आपको 58 तक जरूर इंगित करेंगे, और 58 के बाद भी अगर तुम चिपके रहो बाल बच्चों में, उनकी झिड़की सहते रहो, उनके फाइल डील करते रहो, और उनकी तारीख और मुकदमे में अगर फंसे रहो, तो उसके बाद वाला अंक तुमको अब धिक्कारेगा। 58 के बाद कौन अंक आता है जी? 59। 59 के बाद 60, उसके बाद 61 62 63 64 65 66 67 68। यहां तक भी अगर चेत जाओ तब तो सठ ही कहला करके रह जाओगे, और यहां तक भी नहीं चेते तो इससे भी बदतर 69 70, उससे भी बदतर हालत में। गोस्वामी जी ने इस दशा का वर्णन किया है विनय पत्रिका में, देखत ही आई बिरुधाई, जो ते सपने हुनाही बुलाई, ताके गुण, जिसको तुमने सपने में कभी आह्वान नहीं किया था। जवानी तो चाहते थे कि जवानी आवे, लेकिन देर में आई, और बुढ़ापा को नहीं चाहते थे कि आवे, लेकिन जबरदस्ती आ धमकी। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का टूथपेस्ट लगाने पर भी दांत हिल गए, उखड़वाने पड़ गए। बढ़िया से बढ़िया सुरमा का प्रयोग करने पर भी आंखों की ज्योति मंदी पड़ गई। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का हेयर वेल लगाने पर भी और केस सफेद हो ही गए, हाथ पांव कांपने लग गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखत ही आई बिरुधाई, जो ते सपने हुनाही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाही,
सो अब प्रगट देखु तन माई, देख लो अपने शरीर में, अनुभव कर लो। सो प्रगट तन जर जर जरावस व्याधि सूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत वचन का न भावई। वही बेटे झिड़की देते हैं, चुप रहो, क्यों बीच में टांग अड़ा देते हो, तुम्हारा जमाना लद गया, हम लोगों के बीच में मत बोला करो, जो करना कर रहे हैं करने दो। इतने पर भी नहीं मानोगे तो आंख दिखा के कहेंगे खबरदार जो बीच में बोले। तो कहते हैं कि सो प्रगट तन जर जर जरावश व्याधि सूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतियत वचन काहु न भावई। घर के किसी व्यक्ति को तुम्हारी बोली प्यारी नहीं लगती है। गृहपाल होते अति निरादर, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते से भी बदतर तेरी दशा हो गई घर में। कुत्ते को कार में लेकर घूम रहे हैं बच्चे, लेकिन डोकरे को बूढ़े को एक कोने में पड़े रहो, खांसते रहो, थूकते रहो, मक्खी भिनकती रहे, चिल्लाओगे कान में आवाज पड़ जाएगी, बोलो क्या चाहते हो, सोने नहीं देते हो, नींद आराम किए रहते हो, क्या चाहिए, बोले बेटा थोड़ा गर्म पानी करके दे दे, ले तारे हो जा। कुत्ते को तो कार में लेकर घूमेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावई, लेकिन हाय री तृष्णा, ऐसे हूं दशा न विरागत तृष्णा तरंग बढ़ावई। अब भी चेत, अब भी चेत, कब से, बोले 50 से ही चेत जा, 51 में आ गया तो वन में चल। मनु जी ने इन सारी बातों पर विचार किया है, हम लोगों को रास्ता दिया है, और केवल थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में स्वयं भी। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना, नारी समेत गमन बन। शत्रुपा की इच्छा है मेरे साथ चलने की, चल सकती हो, भजन में जीवन बिताना होगा, तपो में जीवन बिताना होगा, वहां टी सेट नहीं जाएगा, वहां किचन सेट नहीं जाएगा, वहां शेविंग सेट नहीं जाएगा, वहां ट्रांजिस्टर सेट नहीं जाएगा, वहां केवल शरीर जाएगा, और शरीर में भी कृष्ण शरीर मुनि पट परिधान, शरीर मुनि पट परिधान, और सत समाज नित सुनहि पुराना, पुनि हरि हेतु, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल जागे, जल पर ही रहने लग गए, मूल फल तक का परित्याग कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो भी त्याग दिया, बरस सहस दस त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, इसका नाम तप है।
आदि सृष्टि सम्राट शिरोमणि स्वयंभू मनु भूपा स्वयंभू मनु भूपा सहधर्मिणी संग महारानी नारी रत्न शतरूपा सहधर्मिणी संग महारानी नारी रत्न शतरूपा बरबस सुत को राज सौंपी के आए नए निष्बन में सुत को निरखे नैनन परम ब्रह्म प्रभु यह मनोरथ मन में निरखे नैनन परम ब्रह्म प्रभु यह मनोरथ मन में द्वादश अक्षर मंत्र जपत नित प्रभु चरणन अनुरागे चरण अनुराग अन्न फूल फल कंद मूल जल क्रम क्रम सब ही त्यागे अन्न फूल फल कंद मूल जल क्रम क्रम सब ही त्यागे निरख कठिन तप ब्रह्मा